ये जगमोहन हॉस्पिटल है जो कि साइट से हमारे मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पे है, जो अपना हाईवे है, इस बिल्कुल हाईवे पे ही पड़ता है ये जगमोहन हॉस्पिटल। ये राशन है, लेफ्ट हैंड में देखो आप, ये राशन की दुकान है, आप देख ही रहे हो। ये राशन वगैरह जो आपको मिलता है गवर्नमेंट से, वो आपको यहीं प्रोवाइड कराया जाता है। ये आपको पूरी मार्केट है, राइट हैंड पर पूरी मार्केट है आपकी। पच्चीस गज लेना चाहते हैं 25 गज दीजिए, 50 गज लेना चाहते हैं 50 गज दीजिए। अगर कस्टमर ये चाहता है कि हम आपको प्लॉट बना के भी दे या मकान भी बना के दे हम उसके ऊपर, तो वो भी हम उसको आसानी से अवेलेबल करा देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनु और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ड्रीम होम ब्लॉग्स पे। और आज हम आ गए हैं दिल्ली से जस्ट 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे न्यू हंस सिटी के नाम से। पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो सामने हमारे लेफ्ट हैंड पे, ये कट रही है प्लॉट, पूरे प्लॉट कट रहे हैं यहाँ पे, जो कि आपको मिल रहे हैं आसान किस्तों पे। यहाँ पे आपको 25 गज से लेके 500 गज तक के साइज हैं, जो आप चाहते हो तो जहाँ के बिल्डर हैं वो आपको बना के भी दे देंगे मकान। अदरवाइज 3 साल की आसान किस्तों पे आपको यहाँ मिल रहे हैं प्लॉट, मेरा साइज है 25 गज से लेके और 500 गज तक। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं भैया से, जिनका नाम है कमल भैया। और भैया मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आओगे विजिट करने के लिए तो आपको साइट पे यही मिलेंगे जो कि आपको साइट विजिट करवाएंगे। उसके बाद से अगर हम बात करूँ लोकेलिटी के बारे में, तो यहाँ से लोकेशन की दूरी कितनी पड़ेगी आपकी, जो यहाँ से जो मेन रोड है या मेन मार्केट है? रोड आपको अगर जो आप मेन रोड की बात करते हो, 500 से 700 मीटर के दूरी का आपको पड़ेगा। हाँ। जो मेन हाईवे है, जो अभी करंट में आपका 6 लाइन का हाईवे बनने जा रहा है, देहरादून एक्सप्रेस वे जो हाईवे बनने जा रहा है, वो आपका 700 मीटर के आसपास पड़ेगा बस, मात्र ज्यादा। जो आपकी 6 लाइन बन रही है यहाँ से डायरेक्ट जो जा रही है देहरादून के लिए, सहारनपुर देहरादून जा रही है यहाँ से, उसकी दूरी मात्र यहाँ से 800 मीटर के आसपास है। और उसका भी काम चल रहा था, हमने आपको दिखा रहे हैं अभी साइड बाई साइड उसका दिखा रहे हैं। इसका 6 लेन का 2 लेन का काम हो चुका है ना? 2 लेन का काम कंप्लीट है, बाकी जो अभी करंट में चल रहा है वो आपका 6 लाइन का चल रहा है। देहरादून एक्सप्रेस वे जो अक्षरधाम से आ रहा है वो यहीं से होकर निकलेगा। और अगर बात करें हम यहाँ पे लोकल में अपना मॉल के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए और जो हर चीज की फैसिलिटी उपलब्ध है, जैसे आपका स्कूल्स हो गए, मॉल्स हो गए, आपकी मेन मार्केट हो गई, हर चीज की फैसिलिटी उपलब्ध है। आपको ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 मीटर चलना पड़ेगा तो आपको हर चीज अवेलेबल हो जाएगी बिल्कुल आराम से आसानी से। सामने 30 फीट की रोड है ये, जो कि अपने प्लॉट के पास आ रही है। आप जैसे ही वहां से आओगे, वहां से मात्र ये 100 मीटर की दूरी पे पूरा का पूरा ये अपना प्लॉट है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 25 गज से स्टार्टिंग है और 500 गज तक मिल जाएगा। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप ले सकते हैं, जितनी आपकी गुंजाइश है आप उतना ले सकते हैं। मुझे एक बात बताइए आप, जैसे कि इसकी स्कीम क्या है, मतलब किस प्रकार से इसको आप दे रहे हो? स्कीम सर, इसमें हमारे पास स्कीम ये है, आप इसमें किस्तों में ले सकते हैं। हमारे पास जो टाइम होगा वो आपको 3 साल का टाइम मिलेगा इसमें, 25 गज या 50 गज जो भी आपको, आप जैसे भी आप ले सकते हैं। 25 गज लेना चाहते हैं 25 गज लीजिए, 50 गज लेना चाहते हैं 50 गज लीजिए। उसमें स्कीम 36 महीने का आपको टाइम मिलेगा, 3 साल का मतलब, ठीक है। वो आप 3 साल में आसानी किस्तों पर आराम से भर सकते हैं। अगर कस्टमर ये चाहता है कि हम आपको प्लॉट बना के भी दे या मकान भी बना के दे हम उसके ऊपर, तो वो भी हम उसको आसानी से अवेलेबल करा देंगे। अभी जैसे हम बात कर ले भैया यहाँ पे, तो मान लो कि अगर मैं 25 हज़ार प्लॉट लेता हूँ यहाँ पे, मैं एज ए बायर हूँ और बस मैं आया और मैं आपसे 25 हज़ार प्लॉट ले रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और किस तरीके से? मैं तो सिर्फ आपके सर ज्यादा नहीं, एक आपका आधार कार्ड और 2 फोटो। और सर 25 गज का अगर आप खाली प्लॉट लेते हैं हमसे, तो उसमें ज्यादा नहीं आपको 10% देना होगा। 10% दे के आप अपना कब्जा ले सकते हैं, कब्जा ले सकते हैं। कस्टमर अपनी चाहता है कि मैं अपनी इच्छा से मकान बनाऊं तो बना सकता है 10% में, 10% में टोटल अमाउंट का 10% में दे के अपना मकान बना सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि कस्टमर ये चाहता है कि हम आपको मकान बना के दे, तो उसमें आपको 25% देना होगा। ओके, 25% भी आपको इकट्ठा नहीं देना, वो भी आप जैसे कि ऐड करके दे सकते हैं। 25 गज का प्लॉट कितने पड़ेगा हमें, टोटल अमाउंट क्या होगी उसकी? 25 गज का प्लॉट आपको यहाँ मिलने वाला है ज्यादा नहीं, सिर्फ 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख यानी हमको देना है 25 हज़ार रुपए, और जो बाकी की पेमेंट है वो जाएगी हमारी किस्त पे, राइट? ओके बिल्कुल। और किस्त की टाइमिंग क्या रहेगी भैया? किस्त की टाइमिंग 3 साल की रहेगी। तो मोटा मोटा सीन ये है कि अगर आप यहाँ पे लेते हो 25 गज का प्लॉट जो कि स्टार्टिंग है यहाँ पे, और बाकी 500 गज का प्लॉट है, और आप 25 गज का प्लॉट लेते हो तो आपको पड़ेगा यहाँ पे 10% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, और जो बाकी की पेमेंट होगी वो आपको जाएगी 3 साल की किस्त है जो कि आसान किस्तें हैं, वो डिवाइड कर दिया जाएगा पेमेंट से। और जब आप आओगे तो सारी चीज आपको भैया समझा देंगे और बता देंगे, तो उसी हिसाब से आप, नीचे नंबर भी आ रहा होगा भैया का, तो आप इनसे बात कर सकते हो। कमल भैया नाम है इनका, तो नीचे नंबर भी आ रहा है यहाँ पे ऑफिस का, एड्रेस पूरा, तो आप सारी जानकारी सारी नॉलेज। अभी हम दिखाते हैं प्लॉट का डायमेंशन कि किस प्रकार से प्लॉट है यहाँ पे, साइज क्या है प्लॉट का और किस प्रकार से कटे हुए हैं। तो चलिए भैया प्लॉट दिखाइए। तो अभी हमारे पीछे बन रहा है 55 इंच का मकान जो बना के दे रहे हैं भैया, और ये प्लॉट भी है, तो इसके बारे में बताइए भैया क्या है ये? इसमें 18 फुट का तो आपका फ्रंट आएगा, ठीक है जी, और 32 इंच की इसमें आपकी लंबाई आएगी। अच्छा जी, इसको आप मतलब बनवा के और पार्टी को हैंड ओवर करें? कस्टमर ने अभी लिया था तो उनकी डिमांड थी कि आप हमें बना के दीजिए, तो हम उसे कम्प्लीट करके देंगे।
ओके जी। तो अगर आप चाहते हो कि प्लॉट लेके और बनवाना चाहते हो, अगर टाइम नहीं है तो बनवाने का काम भी भैया कर देंगे, आप इनसे बात कर लेना, अदरवाइज प्लॉट तो आपको मिल ही रहा है। तो साइज भी प्लॉट के वहाँ पे क्या है, किसके साइज में जाए वो बता दो। साइज हमारे पास हर चीज, हर एक मतलब 50 गज 25 गज कस्टमर का, जितना कस्टमर अपना ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है, इतना ले सकता है। और अगर बात करें यहाँ से मेट्रो की दूरी तो कितनी पड़ेगी भैया? मेट्रो की दूरी सबसे मैक्सिमम 3 किलोमीटर, आपका नियर बाय मेट्रो होगा स्टेशन सीवीआर मेट्रो स्टेशन। और जो रेलवे लाइन है यहाँ से, रेलवे स्टेशन है आपके यहाँ से पड़ेगा आधा किलोमीटर खड़खड़ी रेलवे स्टेशन, जो इस रोड से माइंस रोड से जाना पड़ेगा, इस रोड से आप 60 मीटर रोड से जिस आए हैं हम उसी रोड पे ही। ओके, और अगर हम बात कर लें यहाँ पे मॉल की और लोकल कनेक्टिविटी की या कमर्शियल एक्टिविटी की, ठीक है ना, जैसे कि कुछ लेना हो, सामान वामान लेना हो, तो कितना दूर निकलना पड़ेगा यहाँ से? ज्यादा नहीं, आपको 200 से 300 मीटर आप जाइए, आपको हर चीज अवेलेबल है। दिल्ली से जस्ट 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे ये कट रहे हैं प्लॉट, जो कि आपको मिल रहे हैं आसान किस्तों पे, बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया साइज है यहाँ पे, 25 गज से स्टार्टिंग है और 500 गज तक का है, और आपको 3 साल की किस्तों पे मिल रहा है जो हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे आप चाहते हो तो बनवा के भी दे दिया जाएगा, अदरवाइज प्लॉट तो आपको मिल ही रहा है यहाँ पे। साइज मैक्सिमम 25 गज का है और मैक्सिमम 500 गज तक का है यहाँ पे। देखिए आबादी है, जो पीछे जो आप आबादी देख रहे हैं ये सारी आबादी बसी हुई है, आगे 3 किलोमीटर तक एरिया बसा हुआ है पूरा कंप्लीट टोटल, आपको हर चीज की फैसिलिटी मिलेगी यहाँ, बिजली पानी हर चीज की फैसिलिटी। जो है जो फैमिली यहाँ पे रह रही है, चल के उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा मटेरियल और कैसा मकान डिलीवर्ड हुआ है और कैसी सर्विस रही है यहाँ की, तो चल के उनसे बात करते हैं जरा। सारे सारे मकान जो देख रहे हो सब बना के डिलीवर किया गया आपने? उन्होंने पहले प्लॉट लिया था और फिर आपने बना के डिलीवर किया, ठीक है ना, यही है ना। और एक बार हम जब बात करते हैं, नमस्ते आंटी, मुझे जानना था कि जो आपने मकान लिया था यहाँ पे, तो पहले आपने प्लॉट लिया, आपका नाम भैया साकिर भैया, ये साकिर भैया है और आंटी है, आप यहाँ पे कितने दिनों में रहते हुए? तो आपने पहले प्लॉट लिया था कि पहले मतलब मकान बनवा के लिया था? प्लॉट लिया था भैया हमने। कितने गज का प्लॉट है ये? 33 गज का प्लॉट है ये। तो आपने भी किस्त पे लिया था? किस्त पे लिया भैया, 3 साल की। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और ये आपने खुद बनाया था कि जो भैया थे उन्होंने बना के दिया था, जो बिल्डर थे उन्होंने बना के दिया था? वो उन्होंने बना के दे, वो उनकी तरफ से वो ही बना के देंगे, अपना भी बना सकते हो, कोई बहुत बढ़िया है। और यहाँ का पानी उन्हीं कैसा है? बहुत बढ़िया पानी, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। और आसपास का जो लोकल के जो लोग हैं यहाँ पे या आप लोग हो, तो यहाँ का लोकेलिटी कैसी है, मतलब नहीं समझ आता? कोई दिक्कत नहीं है मतलब रहने में, और सर्विस भी अच्छी है, मतलब जो बिल्डर है सर्विस अच्छी है। एक दो लोगों से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक अम्मा बैठी हुई है, अम्मा आपने भी मकान किस पे लिया था अपना? तो आपने पहले प्लॉट लिया था कि मकान लिया था? प्लॉट लिया था, पहले प्लॉट लिया था, फिर आपने बनवाया था कि जो भैया ने बना के दिया था, जो बिल्डर ने बना के दिया था। इसी प्रकार के यहाँ पे मकान बने हुए हैं, प्लॉट्स भी हैं, 25 गज से स्टार्टिंग है और तकरीबन यहाँ पे है 500 गज तक के, और पूरे चारों तरफ बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और यहाँ फैमिली रह भी रही है, दिल्ली के जस्ट बगल में ही है एक फैमिली यहाँ पे और है। इधर जरा हम बात कर लेते हैं कि इनका जो प्रोसेस था जो मकान लेने का वो कैसा रहा, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक बार इनसे जरा हम बात करके इनसे सारा फीडबैक लेते हैं। हेलो, आपने जो मकान लिया था ये किस पे लिया था आपने? से किस्त में लिया था, मतलब कितने साल की किस्त आपकी भी थी? साइज क्या है आपके प्लॉट का? 35 गज। कोई दिक्कत नहीं है आपको भी, आसान किस्त में अगर पैसे देती है तो ये बहुत बड़ा है। देखो जिसका बजट बहुत कम है और जिसके पास पढ़ने की दिक्कत है उन लोगों के लिए स्कीम है, आप आराम से प्लॉट्स ले सकते हो, चाहो तो बनवा सकते हो, अदरवाइज आसान किस्तों के 3 साल के अंदर आपको खुश भी कर सकते हो। तो जितने भी लोग रह रहे हैं यहाँ पे वो काफ़ी खुश हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप खुद ही देख सकते हो फीडबैक इनका, काम करने का जो यहाँ पे लोग भी हैं काफ़ी अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। तो इसी प्रकार से आपको अगर यहाँ पे प्लॉट लेना है तो जो यहाँ पे साइज है प्लॉट का वो 25 गज से स्टार्टिंग है और 500 गज तक का है। भैया अगर हम बात करूँ रोजगार की, जैसे हम लोग बहुत रहते हैं, आबादी बहुत है, आपने स्कूल दिखा दिया, मॉल दिखा दिया, लोकल कनेक्टिविटी दिखा दी, हाईवे दिखा दिया, अगर बात करूँ रोजगार की, जहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए आसपास में अगर कोई रोजगार हो या ढूंढना हो, कोई कंपनी हो? हाँ, रोजगार के लिए भी है जी। साइड से आप 200 से 300 मीटर चलिए आगे, टोनगढ़ सिटी का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे कम से कम हजारों कंपनियां हैं, हजारों फैक्ट्रियां हैं, जहाँ पे एक नॉर्मल सा आदमी आराम से काम कर सकता है। तो गाइस ये था हमारे पास जो दिल्ली से जस्ट बगल में 200-300 किलोमीटर के आसपास जहाँ प्लॉटिंग कट रही है और भैया की कई सारी साइटें हैं, अभी हमने एक दिखाई है आपको जो कि आपको 25 गज से स्टार्टिंग है और 500 गज तक का आपको यहाँ पे आसान किस्तों में प्लॉट मिल जाएगा। तो नीचे नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके बात कर सकते हैं, कोई मन में सवाल हो
कोई भी आपको कोई भी चीज पूछनी हो आप वहां जाके पूछ सकते हो, विजिट कर सकते हो, खुद आपको दिखाएंगे ले आके अपनी गाड़ी से। अगर आपको पसंद आता है तो बहुत ही आसान किस्त में, सिर्फ आपको पेमेंट करनी है 10% डाउन पेमेंट करनी है, अदरवाइज सारी पेमेंट किस्तों पे है। तो आराम से आके यहाँ अपना प्लॉट ले सकते हैं और चाहे तो खुद बनवाइए, नहीं तो आप अगर बोल देंगे तो यहाँ से जो भैया है वो आपको बनवा के प्रोवाइड करेंगे, बना के दे देंगे आपको। कितने दिन का प्रोसेस होता है भैया बनाने का? बनाने का यही होता है कम से कम मान लीजिए 2 से 2.5 महीने करते रहेंगे। जैसे 25% मैंने आपको बताया कि 5% पहले दे दिया, 10% बाद में दे दिया, ऐसे जैसे 5% देते हैं उनका काम स्टार्ट कर देंगे। तो 25% पेमेंट जैसे आपकी आ जाती है, ठीक है ना, तो आपका पूरा मकान कंप्लीट मिल जाता है। हाँ, और बाकी जो 75% है वो आपको आसान किस्तों में पे करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो के सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।